हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिज़ाइन। तो आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। ये नया नहीं है, ये एक पार्ट है। पहला पार्ट हम बना चुके थे, ये दूसरा पार्ट है। तो स्टार्टिंग करने से पहले एक बार फिर से बोलूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सब्सक्राइबर बाकी है मेरा। 700 सब्सक्राइबर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सब्सक्राइबर बाकी है। मुझे और भी ग्रो करना है मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ थैंक यू सो मच। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम एवरी कमेंट को हम रिप्लाई देते हैं। एवरी कमेंट पे आप देखिएगा तो मेरा रिप्लाई, एवरी कमेंट पे हम रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा हम, अगर हो सकता है तो हम करके देंगे, नहीं तो हम सॉल्यूशन बता देंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो मिलते वीडियो पे। ये जो हम वीडियो बनाए थे पहला, ठीक है, ये यहाँ पे हमने वर्डप्रेस में तो सेटअप भी किए थे, उसके बाद डायनामिक किया था, जो मेनू है मेनू को डायनामिक किया था, स्लाइडर को डायनामिक किया था एंड अबाउट अस को डायनामिक किया था, अबाउट अस को राउंड किया था एंड अबाउट अस पेज को भी डायनामिक किया, ठीक है। तो इतना तो मेरा हो गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे, कैसे हम सर्विस पेज को डायनामिक करें। सर्विस पेज देखिए, सर्विस पेज क्या होता है, जो सर्विस पेज है एंड जो प्रोडक्ट पेज है, ये दोनों पेज सर्विस पेज प्रोडक्ट पेज, ऐसे पेज को हम ऐसे डायनामिक नहीं कर सकते जैसे एवोडर्स पेज को डायनामिक किया, जैसे बैनर को डायनामिक किया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा और कुछ है, क्या है देखते देखिए। अगर हम यहाँ पे सर्विस की क्लिक करेंगे तो मेरा जो सर्विस पेज ओपन होगा, उस सर्विस पेज पे हम क्या शो कराना चाहते हैं, उस सर्विस पेज पे हम ये वाला हम पेज शो कराना चाहता है, ये छः सर्विस शो कराना चाहता है ओनली सर्विस पेज पे। अगर हम सर्विस पेज पे क्लिक करें तो छः पेज यहाँ पे, ये छः जो बॉक्स है बॉक्स सर्विस पेज पे शो होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देन सिंगल पेज पे जाएगा, सिंगल उसको कहता है सिंगल सर्विस पेज पेज, उस पे जाएगा, ठीक है। तो वो है मेन सर्विस पेज एंड जब सर्विस पेज पे क्लिक करेंगे वो है आर्काइव सर्विस पेज। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले, तो हम जाएंगे पहले सर्विस पेज, ठीक है। तो ये एक सर्विस पेज है, ये है मेरा सिंगल सर्विस पेज, सिंगल जो डिटेल्स पेज होता है, जो ये तो मेरा ओनली कितना सर्विस है यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सर्विस पेज भी सर्विस पेज में भी ये ही होगा, वहाँ पे कितना सर्विस है मेरा वही दिखाएंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देन वहाँ पे शो होगा कितना सर्विस मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा सर्विस पेज है, सिंगल सर्विस डिटेल्स पेज देन ये सर्विस पेज, मतलब यहाँ पे सब चार छः बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे आर्काइव नाम से। तो मेरा जो कोड है वर्डप्रेस का कोड हमने ले लिया, आर्काइव नाम से सेव करेंगे सर्विस, देखिए सेव एज करेंगे, इससे पहले जस्ट आर्काइव दे देंगे देन हाइपेन आर्काइव हाइपेन सर्विस सर्विसेस होगा, सॉरी सर्विसेस, क्योंकि जो सिंगल सर्विसेस लिखा है देन सर्विस पेज को ही आर्काइव सर्विसेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया एंड ऊपर में जो कोड है इस कोड को थोड़ा सा हम चेंज करके ये वाला कोड हम दे देंगे, आर्काइव का कोड दे देंगे। तो ये बन गया मेरा आर्काइव सर्विस पेज, ठीक है। एंड मेरा जो ओनली फॉर डिज़ाइन जो डेटाबेस नेम है, जस्ट डेटाबेस नेम को हम चेंज कर देंगे यहाँ से, सेव चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हो गया, इतना सा ही काम है। अभी क्या करेंगे, हम होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे सर्विस कहाँ है, सर्विस हाँ ये सर्विस है। तो इस दम हमको जस्ट एक चाहिए, एक सर्विस चाहिए, बाकी सब हम डिलीट कर दे रहा हूँ।
बाकी सर्विस एक को रख के, क्योंकि हम डायनेमिक करेंगे, बाकी सब को हम डिलीट कर देंगे। देखिए ठीक है, एक को रख के हम बाकी सबको डिलीट कर दिया। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए होम पेज पे है, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए एक सर्विस है मेरा, ठीक है। तो एक सर्विस रख के हम बाकी सब डिलीट कर दिया। तो देखिए अभी क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ से जो मेरा पोस्ट क्रिएट पोस्ट करेंगे, पोस्ट का जो मेरा कोड है, कोड को कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी पेस्ट, एंड एंड रॉयल पेस्ट करना है नीचे मुझे, एंड रॉयल यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड रॉयल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए मेरा कोड पेस्ट हो गया, एंड रॉयल भी पेस्ट हो गया। तो पहला एंड लास्ट जो हमने बनाया तो वो हमने कर लिया। एंड फंक्शन पेज पे जाके मुझे पोस्ट बनाना है, पोस्ट फंक्शन बनाना है, जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड जस्ट नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। स्लाइडर है, स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस करते हुए सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल डी एंड अभी लिखेंगे सर्विसेस, ठीक है, एंड सेव। तो मेरा पोस्ट हो गया, ये स्लाइडर को हम सर्विसेस कर देते हैं, सर्विसेस पोस्ट टाइप। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश देंगे एंड इसका बैकएंड में जाएंगे, ये नहीं है, ये बैकएंड नहीं है, बैकएंड में जाएंगे, WP एडमिन, देन लॉगिन, मेरा पासवर्ड सेव ही है, ठीक है। अब साइट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सर्विसेज बोल के मेरा ये आ गया, बॉक्स आ गया, सर्विसेज बोल के पोस्ट आ गया। मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे भी देखिए सर्विसेज बोल के पोस्ट आ गया। सर्विसेज के अंदर जितना भी हम पोस्ट ऐड करेंगे, सर्विस ऐड करेंगे, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो वो हम बाद में आपको दिखाते हैं, पहले हम सर्विस पे जाके सर्विस को डायनामिक करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट जैसे सब में किया, टाइटल कॉन्टेंट एंड इमेज, ये तीनों का हमको चेंज करना है, टाइटल कॉन्टेंट एंड इमेज को चेंज करना है, ठीक है। तो हम टाइटल कॉन्टेंट एंड इमेज का कोड ले लेता हूँ यहाँ से, टाइटल का देखिए यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे दे देंगे कंटेंट, टाइटल को ही पेस्ट कर दिया एंड कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट एंड इमेज, इमेज का जो है इमेज का कॉपी कर लिया यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट इमेज का, ठीक है। देखिए कितना आसान है, टाइटल कंटेंट एंड इमेज, तो मेरा पोस्ट रेडी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि मेरा अभी कोई सर्विस ऐड किया नहीं हुआ, आवर बेस्ट सर्विस यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे सर्विस करते हैं, आवर हम फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं, सर्विस नेम कर रहे हैं, क्या करें कुछ सर्विस, ओके। तो ऐसे ही मेरा सर्विस दे रहा हूँ, ओनली फॉर डिज़ाइन नाम दे रहा हूँ, वेब डिज़ाइन, मान लीजिए वेब, मेरा जो मैं जो काम करता हूँ उसका एक नाम लिख दिया वेब डिज़ाइन, एंड थोड़ा सा कोड लेंगे, डामी टेक्स्ट देते हैं, डामी टेक्स्ट पे जाएंगे, लॉरिमसम, थोड़ा सा कोड लेना मुझे, इतना था ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे इमेज, एक सर्विस का इमेज देंगे, देन सिलेक्ट सी ड्राइव जैम स्टीडॉक्स ओनली फॉर डिज़ाइन कंटेंट थीम ओनली फॉर डिज़ाइन कंदिक इमेजेस,
इसके अंदर मेरा कुछ इमेज सर्विसेज का कुछ इमेज रखा था, उसके अलग इमेज है, कोई रिलेटेड इमेज नहीं है मेरे पास अभी, इसलिए जो है वही दे रहा हूँ। ठीक है, इमेज आपको दिखाने के लिए, जस्ट टेस्ट करने के लिए। देन अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे जो मेरा पोस्ट नेम है, यहाँ पे पोस्ट नेम देना भूल गया। ठीक है, पोस्ट नेम हमने यहाँ पे तो पोस्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे ऐड करना भूल गया, इसलिए वो नहीं आ रहा है। देन सेव रिफ्रेश, अब देखिए ये मेरा आ गया वेब डिज़ाइन, ये आ गया। ठीक है, अभी एक तो मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे अभी कुछ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेन चीज़ है, एक तो मेरा कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लिंक बैठाना है मुझे, एक डायनामिक लिंक जो होता है, पार्मा लिंक बोलता है उसे। ठीक है, उसे कहीं पे पोस्ट का जो डायनामिक लिंक होता है वहाँ वो पार्मा लिंक हम बैठाते हैं। देखिए ये एक अंदर हैशटैग था, हैशटैग को हटा के पार्मा लिंक बिठा दिया। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक पोस्ट पेज पे जा रहा है, लेकिन जो वेब डिज़ाइन बोल के जो पेज है, पेज पे जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका पेज इसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो सिंगल इसका जो डिटेल्स पेज है उसको हमने ऐड नहीं किया अभी तक। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, एक ही अभी रहते रखने देते, देन हम सिंगल पेज को ऐड कर लेते हैं। ये है सिंगल पेज, ये है सिंगल पेज, लेकिन इसको हमने ऐड नहीं किया। इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ऐड करने के लिए हम अबाउट अस, देखिए अबाउट अस पेज के ऊपर एक पोस्ट टाइप दिए थे। ठीक है, इसको देना पड़ेगा सिंगल पेज के ऊपर, दे दिए, एंड नीचे में इसको इन करना पड़ेगा, एंड रॉयल देना पड़ेगा, दे दिए। अभी क्या करना है, जो मेरा कंटेंट है, जो टाइटल है, टाइटल को हम होम पेज पे जो टाइटल दिए, टाइटल को कॉपी करेंगे। तो टाइटल को हम कहाँ कहाँ देना पड़ेगा, देखिए सर्विस नेम पहले जो है, सर्विस नेम यहाँ पे टाइटल दे देंगे, यहाँ पे ब्रूट कैंप है, यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे नाम को दिखाएंगे, एंड यहाँ पे भी नाम को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चार जगह हम, तीन जगह हम नाम को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या करना है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमने जो होम पेज पे कंटेंट लिखे ये बहुत छोटा यहाँ पे दिया हूँ, देखिए बहुत छोटा कंटेंट देंगे दिया है, तो यहाँ पे हम ये वाला कहाँ पे देंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपेक्ट, कंटेंट नहीं है वहाँ पे, एक्सपेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट बोलते एक टैग होता है, उसको यूज़ करेंगे होम पेज में। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी छोटा कंटेंट अगर देना है तो इस पे हम यूज़ कर सकते हैं, एंड बड़ा कंटेंट के लिए ऑल टाइम कंटेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेज कर दें कंटेंट, कंटेंट एंड पी टैग को हम हटा देते हैं, एंड नो मोर नहीं चाहिए। ठीक है, जो एक्सपेक्ट यहाँ पे लिखे हम इसको ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में A5 जहाँ पे वहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा काम। और जो इमेज है, इमेज को हम डायनामिक करेंगे, तो जस्ट इमेज का लिंक यहाँ पे से, यहाँ से जो डायनामिक लिंक हमने दिए, यहाँ से डायनामिक लिंक कॉपी करेंगे इमेज का, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया मेरा काम। तो देखिए अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा मेरा, नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है, हाँ जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जब एक्सपेक्ट ब्लैंक होगा, जो कंटेंट में कॉन्टैक्ट पेज में जो लिखा हुआ, सॉरी जब एक्सपेक्ट ब्लैंक होगा, कुछ नहीं रहेगा, तो वो कंटेंट पे जो लिखा हुआ है उसको ले लेगा। ठीक है,
तो देखिए मेरा एक्सपेक्ट कहाँ है, देखिए ये एक्सपेक्ट, ये अभी ब्लैंक है, इसको अपडेट कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं लिखा, जस्ट इसको रिफ्रेश करके सर्विस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किए, अभी भी नहीं ले रहा है, क्यों? हमको जस्ट अपडेट करना है, पार्मा लिंक को अपडेट करना है। हमने पार्मा लिंक दिए लेकिन ये डे एंड नेम पे दिया है, इसको पोस्ट टाइप पे करना है, ठीक है। देन यहाँ से सेव एज, फिर से हम होम पेज पे जाएंगे एंड रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश कर लिया अभी सर्विस। हाँ देखिए ले गए, ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वेब डिज़ाइन जो मेरा टाइटल दिया था वेब डिज़ाइन ले लिया, यहाँ पे भी वेब डिज़ाइन ले लिया, यहाँ पे वेब डिज़ाइन लिया, टाइटल ठीक ही है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट का लिंक दिया था, अभी एक्सपेक्ट में तो कुछ नहीं दिया, हम कंटेंट दिए, यहाँ पे भी कंटेंट दिए, तो एक टाइटल दोनों जगह आ गया। तो जस्ट हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसको दे देंगे एक्सपेक्ट पे, तो एक्सपेक्ट में दे दिया एंड यहाँ से एक बड़ा कंटेंट यहाँ पे दे देते हैं, कंटेंट पे एक बड़ा सा कंटेंट दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। कंटेंट के अंदर बड़ा सा कंटेंट हमने दे दिया, तो देखिए सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा सर्विस का हो गया एंड ये भी हो गया। तो मान लीजिए और भी बड़ा कंटेंट देना है, तो जस्ट इसको क्या करेंगे, कट कट करेंगे एंड पी टैग देंगे इसके अंदर, ठीक है। ओपन कर दिया एंड क्लोज कर दिया, पी टैग दे दिया, मान लीजिए दो टो पैराग्राफ देना है इसके अंदर एंड दो टो पी टैग हमने कॉपी कर दिया, देन अपडेट, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे इमेज आ गया। तो मान लीजिए अगर इस यहाँ पे अलग से इमेज देना है, जो होम में अलग इमेज देना है एंड यहाँ पे सर्विस सिंगल सर्विस से अलग इमेज देना है, वो भी आप दे सकते हैं। तो उसको हम दिखाएंगे कैसे देंगे, बाद में दिखाएंगे, तो अभी जो ट्विस्ट है वो हमको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिंगल सर्विस यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे होम को, देन होम को पेस्ट करके लिंकेंगे सर्विसेस, सर्विसेस देखिए हमने यहाँ पे सर्विसेस तो लिख दिया, तो क्लिक करेंगे तो उसका ये तो होम पेज में चला जा रहा है, देखिए होम पेज में चला जा रहा है होम, अभी यूआरएल देखिए होम ओनली फॉर डिज़ाइन देन होम, देन जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, देखिए ओनली फॉर डिज़ाइन देन सर्विसेस देन वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, सर्विसेस बोल के पेज हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, क्लिक तो यहाँ पे सर्विसेज बोल के क्लिक कर क्रिएट, तो लिंक क्रिएट हो गया लेकिन पेज मेरा क्रिएट नहीं हुआ, तो पेज को बनाना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, आर्काइव सर्विस पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको एंड कर देंगे, यहाँ पे नीचे में एंड कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको कॉपी करके जो आर्काइव सर्विसेज पेज है नीचे में एंड कर दिया एंड जो मेरा सर्विस सेक्शन जो होम पेज में बनाया हमने, तो इसको अभी सेव करता हूँ, करके हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, सर्विस पेज आ गया, आवर बेस्ट सर्विसेज, आवर बेस्ट सर्विसेज, यहाँ से हम ये टैगलाइन को हटा देते हैं, टैगलाइन हटा दिया, देन रिफ्रेश, ठीक है। देखिए अभी यहाँ से क्लिक करेंगे तो पेज पे जा जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम क्यों बनाए थे वो वाला को दिखा रहा हूँ, सर्विस जब हम सर्विस को सर्विस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए सिंगल सर्विस पेज पे जाए गए, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा सर्विस पेज खुलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक लिंक होता है साइट यूआरएल बोल के, साइट यूआरएल को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, साइट यूआरएल ये होम साइट यूआरएल ओनली देंगे तो होम पेज पे चला जाएगा एंड उसके बाद कुछ दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम साइट यूआरएल दिया, देन सर्विसेज लिख देंगे, ये जो मेरा
आपको लिंक है, यहाँ से सर्विसेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, देखिए रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे जो सर्विसेज पे क्लिक किया हूँ तो ये आ गया सर्विसेज पेज पे। तो अभी ये मेरा सर्विस पेज हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ और एक पेज को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू वेब डेवलपमेंट, सॉरी वेब डेवलपमेंट बोल के एक पेज को ऐड कर लिया। थोड़ा सा हम कंटेंट चाहिए मुझे, यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर दिया एंड नीचे में थोड़ा सा चाहिए, उसके लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड एक इमेज चाहिए मुझे, इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। इमेज को अपलोड कर लिया, देन सेव पब्लिश। कितना आसान, देखिए ये मेरा हो गया सर्विस पेज। ठीक है, ये दोनों एक साइड से आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो जस्ट हम क्या करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, एनिमेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे, एनिमेशन लेफ्ट से हम जस्ट अप कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। कहाँ गया, गैलरी, हाँ गैलरी के ऊपर सर्विस सेक्शन हाइड किया था, यहाँ पे देखिए लेफ्ट ड्यूरेशन, हाँ लेफ्ट है, इसको जस्ट हम कर देंगे आप। ठीक है, अभी देखिए एनिमेशन बहुत अच्छा आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश। एनिमेशन के लिए एक वीडियो हमने बना चुके ऑलरेडी, ऊपर में लिंक दे देंगे आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कैसे हम एनिमेशन, देखिए ऐसे आप हो जाएगा। ठीक है, कैसे एनिमेशन हम बनाते लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन देखिए ये आ गया वेब डेवलपमेंट पे। तो ये होम पेज, ये मेरा सर्विस पेज एंड ये वेब डेवलपमेंट का सिंगल पेज। ठीक है, यहाँ पे अगर और भी कंटेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप बाद में दीजिएगा। देन हम सर्विस पेज पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो टो मेरा सर्विस है। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा आर्काइव सर्विस पे भी थोड़ा हम एनिमेशन को चेंज कर देंगे, ये लेफ्ट है यहाँ पे हम जस्ट आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, नीचे से आएगा। ठीक है, तो हो गया। अभी क्या करना है मुझे, ड्रॉप डाउन चाहिए मेनू पे, मेरा दो टो सर्विस हो गया, तो हम सर्विस पे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो जाएंगे देखिए सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ से उसको ओपन करेंगे, देन वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट पे चेक ऑन करके ऐड मेनू, देखिए आ गया एंड इसको ड्रैग करके पहले वेब डिज़ाइन को ड्रैग करेंगे सर्विस के अंदर, ऐसे नहीं और थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ एंड ऐसे ड्रॉप डाउन करके सेव कर दिया। बहुत आसान है वर्डप्रेस में ड्रॉप डाउन बनाना। ठीक है, देखिए ये आ गए यहाँ पे ड्रॉप डाउन, क्लिक किया तो वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट, होम पेज पे जाते हैं, देखिए वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट, तो कितना अच्छा देखिए हो गया। ठीक है, तो और एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, नहीं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम दिखाएंगे कैसे हम, यहाँ पे एक इमेज है, नया इमेज, यहाँ पे एक इमेज एंड ए सिंगल सर्विस जो पेज है, यहाँ पे अलग से इमेज हम दे सकते कैसे, वो एक प्लगइन है, हम ऑलरेडी वो प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं दिखाए है, मेरा एक वीडियो है उसका भी लिंक हम ऊपर दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बोलता है एडवांस कस्टम फील्ड बोल के एक प्लगइन होता है, वो प्लगइन यूज़ करके हम यूज़ किए थे, तो उसको हम यूज़ करके कैसे हम इमेज को हम चेंज कर सकते वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखा देंगे। अभी क्या करता हूँ, अभी ये जो मेरा यहाँ पे देखिए, नहीं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बना के दिखा देंगे कैसे डायनामिक करते टेस्टिमोनियल को, कैसे डायनामिक करते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसको हम दिखा देंगे कैसे डायनामिक करते हैं टेस्टिमोनियल को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, देखता हूँ कितना टाइम हो गया। अट्ठाईस मिनट हुआ, तो हम एक काम कर लेता हूँ, उसके अंदर हम गैलरी को डायनामिक कर देते हैं, गैलरी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए गैलरी पे जाते हैं, गैलरी को एक टो रख के बाकी सब डिलीट कर देंगे।
आर्काइव सिंगल पेज सब हम काट दिया एंड होम पेज पे है हम एक को रखना है जस्ट, सब बाकी सब डिलीट, यहाँ पे एक को रखेंगे एंड बाकी सब डिलीट कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है सब डिलीट करना, जस्ट सिलेक्ट, हम यहाँ से क्लिक करके देख रहे हैं उसका लिंक लास्ट कहाँ है, देख के सिलेक्ट कर दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको लेना है तो हम जस्ट जो पोस्ट टाइप हमने बनाया टाइप का कोड दिए थे वहाँ से हम सर्विस से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया एंड एंड ऑयल को कॉपी कर लिया यहाँ पे पेस्ट, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सेव एंड इसका सर्विसेज इसको हम चेंज कर देंगे गैलरी, गैलरी बोल के चेंज कर दिए एंड फंक्शन में जाएंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे गैलरी बोल नाम से, जस्ट इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड जस्ट जितना भी सर्विसेज है कंट्रोल डी से सिलेक्ट करते जाएंगे, कंट्रोल डी डी एंड यहाँ पे दे देंगे गैलरी, गैलरी। तो मेरा पोस्ट भी क्रिएट हो गया, पोस्ट फंक्शन भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी जस्ट क्या करना है, डायनामिक इमेज लिंक देना है और कुछ नहीं, गैलरी बहुत आसान होता है। डायनामिक इमेज लिंक को कॉपी कर लिए एंड यहाँ से पहला वाला इमेज एक यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे दे दिए, ख़त्म। अभी देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आवर वर्क ब्लैंक है, अभी जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो एक गैलरी बोल के देखिए यहाँ पे आ गया गैलरी। ठीक है, देन मान लीजिए हम एक देखते गैलरी गैलरी वन, देन कंटेंट नहीं देना है गैलरी में, कोई इमेज का कंटेंट टाइटल नहीं देना है। ठीक है, जस्ट फोटो देना है मुझे, यहाँ से हम जाएंगे फ़ोटो अपलोड करेंगे गैलरी का फ़ोटो, मान लीजिए गैलरी वन ये लिखा है, इसको अपलोड कर दिया देन सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए गैलरी आ गया। एक फिर से ऐड न्यू करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ गैलरी टू। ठीक है, फिर से यहाँ से अपलोड करता हूँ गैलरी इमेज टू, अपलोड कर दिए देन पब्लिश। अभी यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए मेरा दोटो गैलरी हो गया, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल रहा है। ठीक है, तो मेरा गैलरी हो गया। अभी अगर गैलरी पेज पे जाएंगे हम तो यहाँ पे अभी डायनामिक नहीं हुआ, क्योंकि डायनामिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हम यहाँ से गैलरी को कॉपी करेंगे पूरा डायनामिक कोड को एंड गैलरी पेज पे जाएंगे, जाके यहाँ पे जितना गैलरी डायनामिक नहीं है जस्ट स्टैटिक ही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे देन सेव। देखिए यहाँ पे भी मेरा कोड वर्क पोर्टफोलियो मेरा डायनामिक हो गया, तो यहाँ पे तो डायनामिक हो गया लेकिन हमने होम पेज से कॉपी कर लिया तो ये बैकग्राउंड ले लिया एंड ये टाइटल ले लिया, तो हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे एंड टाइटल को भी रिमूव कर देंगे। तो पहले टाइटल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, टाइटल रिमूव एंड यहाँ पे देखिए गैलरी आईडी के पास स्टाइल बैकग्राउंड यूआरएल ये इमेज दिया है, तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, हाइट रिमूव कर देंगे एंड बैकग्राउंड वाइट कर देंगे। ठीक है, देन सेव। अभी देखिए रिफ्रेश, तो मेरा आ गया। ठीक है, तो इमेज थोड़ा छोटा बड़ा आ रहा है क्योंकि मेरा इमेज थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा इसलिए ऐसा आ रहा है, तो आप साइज़ का इमेज दे दीजिए। तो हो गया मेरा। देखिए इस वीडियो में हमने दिखा दिया आपको कैसे सर्विस पेज बनाएंगे, कैसे सर्विस डिटेल्स पेज बनाएंगे, कैसे गैलरी को कन्वर्ट करेंगे डायनामिक पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।